शौके से मिलके ना शौके से पूछेंगे कि जीजीएस कैसा लगता है और कैसा है। उसके पीछे लाइट्स पड़ी होती है ना, यानी जो एलईडीज लगी होती हैं, तो एलईडीज जो थी ना पहले, तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर ना एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियान अदर एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जो है थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन जो है मैंने ऑफिस से जो है ना छुट्टी की है। छुट्टी की इस वजह से की है कि पूरे घर के अंदर जो है ना मैं सुबह का मतलब ये है कि घर के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, और रेनोवेशन किस मकसद के लिए हो रही है, ये इस किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए हो रही है जो आपको आने वाली वीडियोस में ना पता चल ही जाएगा। लेकिन खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से व्यू कि बाहर क्या क्या काम हो रहा है। जो पहला काम हो रहा है ना वो ये जो है ना, ये बाहर का जो रॉक वॉल है, रॉक वॉल का काम यहाँ पे फ्रंट साइड पे हो रहा है, और इसके लिए ये जो है स्टैंड वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी लोग जो है ना जो काम कर रहे थे ना इस टाइम जो है वो लंच ब्रेक पे गए हुए हैं, और मोस्ट कोई 12:30 का टाइम हो गया है। उसके अलावा जो है नीचे पेंट शेंट का काम भी हो रहा है, क्योंकि दोनों काम जो ना बाहर वाला और अंदर वाला काम इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं। तो अभी जो है स्टेज की जो हालत देखनी है, मिट्टी डस्ट से बड़ी हुई है, क्योंकि हर जगह पे पेंट मिट्टी और डस्ट है, और ये वाला एरिया भी सारा क्लीन अप हो रहा है। उसके अलावा जो है ये वाला रूम जो है कल पेंट हो चुका था, तो यहाँ पे थोड़ी सफाई सफाई है। उसके अलावा जो ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम की आप हालत देखिए कि सारा सामान जो है ना अंदर वाले कमरे से ना यहाँ पे अंदर जो है ना काम वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से ना दरवाज़ा बंद करके आराम से सुकून से अंदर काम कर रहे हैं ताकि डस्ट वगैरह बाहर ना आए। तो ये सारा एरिया जो है ना ये सारा इस वक्त सामान से भरा हुआ है, क्योंकि सारा काम जो है ना सामान इन्होंने बाहर निकाल दिया और अंदर जो है काम हो रहा है। उसके अलावा जो है ना एक और मैस हो गया, वो मैस ये हो गया कि टीवी जो था ना काफ़ी टाइम से थोड़ा सा ना हमें एलईडी जो थी वो इशारे दे रही थी कि मैं ख़राब होने वाली हूँ, लेकिन हम जो है ना उसको इग्नोर कर रहे थे, तो वो टोटली जो है ना बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो अभी उसको भी जाके ना आज मैंने छुट्टी से वजह से किया गया सारे काम जो है ना मैं निपटा लूँगा। तो अभी उसको भी हार रोड पर लेके जाना है सर्विस सेंटर पे, और वहाँ से फिर ना इसको रिपेयर करा के लेके आना है। अभी जो है घर पे हूँ तो घर वालों को सब्जी वगैरह लाना याद ना है, ये कैसे हो सकता है। तो अभी घर वालों ने भेज दी हमने सब्जी लेने, सब्जी लेके मैं आ गया था। तो अब जो है जोहर की नमाज पढ़ के अब जो मैं हार रोड पे जा रहा हूँ, हार रोड पे एक LCD ठीक करवाने के लिए, LCD जो है यहाँ पे मैंने पीछे रखी है। तो टीवी सही कराने में ना कि ऑलमोस्ट जो थे कि 2-2.5 घंटे लग गए। उसके मेन ट्यूब थी ना वो तो ठीक थी, लेकिन जो उसके पीछे लाइट्स पड़ी होती हैं ना, यानी जो LEDs लगी होती हैं, तो LEDs जो थी ना पहले वो ख़राब हो गई थी, तो वो ऑलमोस्ट ना सारी जल गई थी, जिसकी वजह से टीवी ना अंधेरा हो गया था। आवाज़ वगैरह सही आ रही थी, लेकिन पीछे ना जालियाँ उसकी जो लाइट थी ना बिल्कुल जाली सारी जल चुकी थी LED, तो इसकी वजह से ना वो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। तो उससे लगवाने से ना टीवी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गया, A1 हो गया। तो ये ना अभी मैं घर आया और मैं अभी मैच देख रहा हूँ, और टीवी जो है ना बेहतरीन हो चुका है, और उसके अंदर ऐसे बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं ना बिल्कुल न्यू टीवी लेके आया हूँ। अभी टीवी जो है ना यहीं पे रखा हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि बाकी सारे मैंने आपको जैसे सुबह दिखाया था कि अभी उस टीवी लॉन्च में ना पेंट वगैरह का काम हो रहा है, और पेंट का काम जो है ना आज कम्प्लीट नहीं हुआ, वो अभी क्या कहते हैं मे बी कल कम्प्लीट हो, और बाकी जगहों पर ही हो रहा है। तो अभी टेम्परेली ना टीवी को ना यहीं पर हमने सोफे पर डेस्ट किया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का मैच लगा हुआ, तो मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ, और उसके साथ में जो है मैं पपीता खा रहा हूँ। The next day. तो आज जो है मैं जा रहा हूँ कल्टस खाना, एक अगर आपके पास कल्टस या वैगनार है नए मॉडल वाली, तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर ना एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है कि उसकी ना थ्रोटल बॉडी के अंदर ना डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है गाड़ी जो होती है ना बहुत ज़्यादा जर्क मारना शुरू हो जाती है, और उसकी माइलेज तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है रेस जो है इसकी पिक भी ख़राब हो जाती है, और आप अगर रेस दे भी रहे हो ना तो वो रेस ले ही नहीं रही होती। तो नॉर्मली जो है इसको 10,000 के बाद करवा लेते हैं, और अभी जो है मैं वही करवाने जा रहा हूँ। थ्रोटल बॉडी का काम करवाने के लिए ना आपको प्लग वगैरह उतरवाने पड़ते हैं, और इसका एयर फिल्टर उतारना पड़ता है, और उसके साथ ना पीछे जो है ना ये इसके ऊपर जो पाइप सा नज़र आ रहा है इसके ऊपर जो है ना बॉडी से लगती है, जिसको ना उतार के वो स्प्रे के साथ या पेट्रोल के साथ साफ करके ना फिर दोबारा लगा सकते हैं। और अभी जो है थ्रोटल बॉडी का क्लीनिंग हो गई है, तो इसको ना वापस अपनी जगह पे लगाया जा रहा है। प्रोसेस मैंने लोकल शॉप से 1400 रुपये का करवाया, जबकि आप अगर सुजुकी पे जाओ तो 2500-3000 रुपये का ही होता है। अभी मैं आ गया हूँ शौकत भाई के साथ,
अच्छा शौकत का मैं इंटरनेशनल कराना मैं भूल गया, शौकत जो है मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो होने के साथ साथ ना हम कलीग्स भी रहे हैं, मतलब ये कि कंपनी में हमने तो एक दो साल काम भी किया। शौकत भाई की फरमाइश के ऊपर शौकत भाई कह रहे हैं कि मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, मैं फिनलैंड में बहुत फास्ट फूड खा चुका हूँ, देसी फूड खा चुका हूँ घर का, क्योंकि बाहर का तो वहाँ पे खाते नहीं होंगे, वो तो वहाँ पे कुकिंग करके खाता रहा। फिश वगैरह मतलब नहीं, तो घर में खुद कुकिंग करता रहा। नहीं मैं अपना कुक लेके गया था साथ। शौकत भाई अपना कुक साथ लेके गए थे, लेकिन अब ये रियलिटी हमें नहीं पता कि शौकत खाना पकाता था या शौकत कुक को खाना पका के देता था। लेकिन खैर अभी हम शौकत भाई की फरमाइश के ऊपर आए हैं चीज़, तो आज शौकत से मिल के ना शौकत से पूछेंगे कि चीज़ियस कैसा लगता है और कैसा है। तो ये है, हमने साथ में बर्गर मंगाया, पिज़्ज़ा मंगाया, और पिज़्ज़े के साथ जो है ये बिहारी रोल मंगाए। तो ये बिहारी रोल जो है ना मुझे बड़े मिनिमम से लग रहे हैं। तो शौकत भाई आप ट्राई करें और बताएँ कि कैसे हैं, शुरू करें ज़रा। बिस्मिल्लाह करें आप। नहीं नहीं आप करेंगे शुरू। मेरे तो बड़े पिज्जे पिज्जे से लग रहे हैं, लग नहीं रहा है इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे। हैं चीज से भरे हुए हैं, देखते हैं। कह रहा था कि चीज़ चीज़ ही ना खाए। मैं तो मज़े चलो भाई, शौकत भाई कह रहे हैं कि मज़े के हैं, तो मैं भी ज़रा ट्राई करता हूँ। नहीं मज़े के हैं भाई, बिहारी वाले फीलिंग आ रही है सॉस की। पहली दफ़ा ट्राई किया लेकिन मज़े के, बड़ी सीट है भाई, वो ज़्यादा इतने ऑयली भी नहीं है, बस मुनासिब है, नहीं है बहुत ज़्यादा मज़े। हाँ जी, पिज़्ज़ा भी आ गया, और पिज़्ज़ा जो है रेगुलर हमने मंगाया था, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थोड़ा बड़े वाला होगा, लेकिन बहुत छोटे वाला आ गया। और ये शौकत भाई ट्राई करें और बताएं कैसा है। वैसे लास्ट टाइम मैंने भी खाया था तो काफ़ी मज़े का है। पिज़्ज़ा शीज़ा खाने के बाद जो था मैं घर आ गया था, और घर आने के बाद जो था मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो एडिट करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने ना वीडियो को अभी तक एंड नहीं किया था, तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।